धामनोद के सुंदरेल की 75 वर्षीय सरस्वती बाई की कहानी सुन हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्होंने 60 साल से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। बस चाय और पानी ही उनके जीने का सहारा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वे बिना खाए भी खेत में घंटों काम करती थीं और इसी हालत में उन्होंने 5 बच्चों को जन्म दिया। सरस्वती बाई और द्वारका प्रसाद पाटीदार की कम उम्र में शादी हुई। पहली डिलीवरी में लड़की हुई और तबीयत खराब हो गई और टाइफाइड हो गया। आंतें सिकुड़ गई, कुछ भी खाती तो उल्टी हो जाती। हालांकि तबीयत ठीक हो गई, लेकिन कुछ भी खाती तो मन नहीं करता और खाने की कोशिश करती तो बाहर हो जाता। अस्पताल से छुट्टी मिली और पति उन्हें घर ले आए, लेकिन सरस्वती को जैसे खाने से एलर्जी हो गई। खाना देखते ही उनका मन अजीब सा करने लगा था। सरस्वती का खाना बंद होने से पति द्वारका प्रसाद बहुत चिंतित हुए और वे उसे इंदौर लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर जगदीश कुसुम डॉक्टर, अकबर अली डॉक्टर, मुखर्जी डॉक्टर, आरएस मेहता आदि सभी ने लंबे समय तक अलग अलग इलाज किया, लेकिन उनका खाना शुरू नहीं करवा पाए। समय बीता गया, लेकिन सरस्वती की हालत में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस पर कुछ समय बाद उन्होंने दवाएं लेना बंद कर दी। वे अब पानी घूंट घूंट पीने लगी। इसके अलावा सुबह और शाम चाय पीने लगी। अब सरस्वती का यही भोजन बन गया है। कभी कभार हफ्ते में एक केला खा लेती हैं। जब उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है तो बिना किसी टेंशन की वे हंस कर कहती हैं, इतने वर्ष हो गए, अब तो आदत हो गई। शादी ब्याह में भी जाती हूँ तो कभी खाने की इच्छा नहीं करती, बस अपना पानी भर और चाय। पुत्र महेंद्र पाटीदार कहते हैं, पिताजी ने बहुत इलाज कराया लेकिन माँ नहीं खा पाई, तो अब सब सामान्य हो गया है। पुराने पड़ोसी कमलेश पाटीदार कहते हैं कि बचपन से काकी को देख रहा हूँ, सिर्फ चाय पानी पीकर भी खेतों में लगी रहती थी। हम पूछते थे भूख नहीं लगती तो वे ना कहकर हंस देती थी। पड़ोसी रमेश चंद्र पाटीदार कहते हैं, मुझे पता लगा तो आश्चर्य हुआ, लेकिन कई बरस से मैं भी देख रहा हूँ,